नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे कि आपको नेविगेशन और गूगल मैप्स को कैसे यूज़ करना है, उसका अच्छी तरह यूज़ करना है ताकि आप आराम से अपनी डेस्टिनेशन पहुंच सकें और अपने आसपास की जो प्लेसेस हैं उनको भी इससे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। गूगल मैप्स में बहुत सारी ऑप्शन हैं जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के मेन्यू में जाके मैप्स की ऑप्शन है जो उसको ओपन कर लीजिए। ये गूगल मैप्स ओपन हो रहा है, गूगल मैप्स जो ऐप है वो ओपन हो चुकी है। आइए इसके इंटरफेस को आइए देख लेते हैं। सबसे ऊपर आपको मिलेगी सर्च बार, यहाँ पे आपका जो डेस्टिनेशन है यहाँ भी आपको जाना है, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे कीबोर्ड खुल जाएगा और उस पर आप टाइप करके उस डेस्टिनेशन को टाइप कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन, अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो इस माइक के ऑप्शन को दबाएँगे तो आप इसको बोल के भी यहाँ पर जो भी बोलेंगे वो यहाँ गूगल अपने आप टाइप कर देगा। और ये वाली जो ऑप्शन है, अगर आपका लोकेशन ऑफ है फ़ोन की, तो इसको टैप करने से जो लोकेशन है, जो ट्रैकिंग है, लोकेशन ट्रैकिंग है, गूगल अपने आप उसको ऑन कर लेगा। गो का बटन है यहाँ, अगर आप इसको दबाएंगे तो एक थोड़ी डिफरेंट विंडो खुल जाती है, यहाँ आप अपनी लोकेशन अपने आप डिटेक्ट कर लेगा और डेस्टिनेशन यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। और नीचे कुछ और ऑप्शंस हैं जिसको को आप नियर बाय जो प्लेसेस है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इनसे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है। तो इस समय मैं अपनी लोकेशन से पास वाले किसी सिटी को टाइप करता हूं ताकि हम देखें कि क्या क्या ऑप्शन आती हैं। तो मैं यहां से अमृतसर टाइप करना शुरू करता हूँ। तो जैसे ही आप उस टाइप करना शुरू करेंगे तो नीचे कुछ ऑप्शन अपने आप गूगल सजेस्ट करना शुरू कर देगा आपको। SBI की ब्रांच है शायद कोई, अमृतसर सिटी, गोल्डन टेम्पल रेस्टोरेंट है, और रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं, जो भी आप ऑप्शन, अगर आपके नहीं पता, आपको क्लियर नहीं है कौन सी ऑप्शन जाना है, नीचे सजेशन में नहीं जाना है, तो आप ऊपर आप पूरा उसको टाइप कर लीजिए अमृतसर, इसमें बस स्टैंड जाना है, तो ये आ गया अमृतसर बस स्टैंड नियर संगम सिनेमा, क्योंकि संगम सिनेमा अमृतसर के पास ही है, तो वो पूरी ऑप्शन सजेस्ट कर रहा है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो वो अपनी ट्रैक लोकेशन को ढूंढना शुरू कर देगा। तो इस समय उसने वो जो अमृतसर का जो बस स्टैंड है उसको डिटेक्ट कर लिया है। नीचे आप डायरेक्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपको टोटल डिस्टेंस जो, और वो जो आपका रास्ता है उसको दिखाना शुरू कर देगा। और यहाँ से आप स्टार्ट का बटन क्लिक करके शुरू कर सकते हैं अपनी जर्नी। और इसमें आप देखेंगे दो तीन आपको रास्ते शो कर रहा है, गूगल हमेशा दो या तीन रास्ते एक जगह पहुँचने के दिखाता है अगर वो अवेलेबल हैं तो। लेकिन आपको जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है, उसमें आपको टाइम भी आपको सजेशन कर रहा है, जैसे इस रास्ते से आप जाएँगे तो 1 आवर 59 मिनट्स लगेंगे, यहाँ से जाएंगे तो 2 आवर 5 मिनट्स लगेंगे, और यहाँ जो रास्ता ब्लू वाला है उस पर आपको सबसे कम टाइम जो शो हो रहा है 1 आवर और 41 मिनट्स जो शो हो रहा है वो आप इस रास्ते से जाएंगे, और साथ ही साथ आपको डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। तो जैसे ही आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे गूगल असिस्टेंट आप अगर यूज़ करना चाहते हैं, ये लेटेस्ट ऑप्शन है, वो आप इसको गॉट इट कर दीजिए। तो अब नेविगेशन स्टार्ट हो गई है और साथ में आपको जो वॉइस इंस्ट्रक्शन है वो भी आपको साथ ही साथ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे आप बढ़ेंगे कुछ ऑप्शन ट्रैफिक के बारे में गूगल, ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शन आपको ट्रैफिक के बारे में गूगल देता रहेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे रास्ते में ये एरो है वो आगे आगे चलता जाएगा, तो आप ऐसे अपने डेस्टिनेशन पे जैसे जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हैं गूगल मैप्स को यूज़ करके पहुँच सकते हैं। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। दोस्तों एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, आज का जो हमारा वीडियो है वो मिस्टिकल मास्टर जो कार मोबाइल होल्डर है वो उसमें स्पॉन्सर किया गया है। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का मोबाइल होल्डर है और ये AC बैंड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए पीछे एक वन टच क्लिक बटन दिया गया है, आपको ओपन करके ऐसे खुल जाएगा। इसमें आप अपना फ़ोन प्लेस कर सकते हैं और इसको बंद कर लीजिए। इसको लगाने के लिए पीछे एक नोज़ल दी गई है, एयर वेंट जो कार का AC वेंट होता है उसमें आप इसको लगा के नोज़ल को साइड को ऐसे टाइट कर देंगे तो ये अच्छी तरह होल्ड कर लेगा। और ये बहुत ही यूज़फुल है अगर आप अपना
जर्नी के दौरान नेविगेशन यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल आपके लिए रहेगा। तो आइए अब और ऑप्शंस देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं गूगल मैप्स में। इसको बैक कर लेता हूँ। तो जैसे कि नीचे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। अगर आप अपने एरिए के या किसी एरिए में आप रेस्टोरेंट्स वगैरह देखना चाहते हैं, आप कहीं घूमने गए हैं, आपको उस एरिए के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप रेस्टोरेंट्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आसपास के अच्छी क्वालिटी के रेस्टोरेंट हैं उनके एक लिस्ट आ जाएगी। आप उसमें से रिव्यूज़ भी देख सकते हैं और डिटेल्स रेस्टोरेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। आपको जो डिस्टेंस है आपके करंट लोकेशन से वो भी साथ ही साथ पता चल जाएगा, और साथ में जो रेटिंग है रेस्टोरेंट की वो भी आपको इसमें पता चल जाएगी। कुछ फ़ोटोज़ भी गूगल फ़ोटोज़ गूगल उसमें आपको दिखाता है जो कि कस्टमर्स में डाली होती हैं वहाँ उस लोकेशन के लिए। ये देखते हैं जैसे कि गगन रेस्टोरेंट शो हो रहा है, इसको खोल के देखते हैं क्या होता है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको सारी डिटेल्स उसकी आ जाएंगी। ये उसको एड्रेस आपका जो यहाँ का एड्रेस है वो एड्रेस आ जाएगा, उसका क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम भी आपको आ जाएगा। अगर आप वहाँ गए हैं तो आप उसमें एडिट करना चाहते हैं तो वो आप उसमें एडिट कर सकते हैं। और नीचे आप इसमें क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आपको अगर इस रेस्टोरेंट के बारे में कोई चीज़ पूछनी है किसी से तो आप ऑनलाइन उसको पब्लिक से पूछ सकते हैं। इसमें कुछ और ऑप्शन भी हैं जैसे ओपन, जो अभी ओपन होंगे वो भी वो शो हो जाएंगे। अभी जो ओपन है वो रेस्टोरेंट शो हो रहे हैं, टॉप रेटेड कौन से हैं, अगर आप उस हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको भी सॉर्ट कर सकते हैं। बताते हैं और इसमें जो और ऑप्शंस हैं वो भी आप देख लीजिए। पेट्रोल पंप नीचे आपके आसपास जो पेट्रोल पंप है आप उनको ढूंढ सकते हैं। अगर आपको पैसे निकलवाने हैं तो एटीएम आप क्लिक करेंगे तो आपको एटीएम्स की लिस्ट भी आप इसमें देख सकते हैं। ये सारी एटीएम्स की लिस्ट जो मेरे आसपास है उसमें शो हो रही है। अगर आपका शॉपिंग का मन है तो शॉपिंग सेंटर्स आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो अच्छे आपके आसपास शॉपिंग सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी और वो सारी डिटेल आ जाएगी। आप कॉल करके, अगर उन्होंने फ़ोन नंबर दिया हुआ है गूगल में फीड किया हुआ है तो वो आपको उस पर कॉल करके आप उनसे कोई डिटेल भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कहीं आसपास अपनी किसी जगह पे जाना है तो इस गो बटन को क्लिक करेंगे तो आपको और भी ऑप्शन मिलेंगी। अगर आप टू व्हीलर पर ड्राइव करके जा रहे हैं, टू व्हीलर पर जा रहे हैं, ट्रेन या बस में जा रहे हैं या वॉक करके जा रहे हैं, अगर आपका किसी शॉप पे जाना है जो आपके 200 या 400 मीटर की डिस्टेंस में है, आपके पास ही है, तो आप वॉक वाले बटन को क्लिक करेंगे और अपनी लोकेशन जो शॉप का नाम है इस पर टाइप कर दें। तो फ्रेंड्स ये भी जानकारी गूगल मैप्स और नेविगेशन के बारे में। और मैं कुछ और सेफ्टी टिप्स आपको देना चाहूँगा कि ड्राइव करते समय कभी भी अपना फ़ोन यूज़ ना कीजिए, बात करने के लिए और टेक्स्ट करने के लिए अपना फ़ोन ना पर यूज़ करना है तो आप सिर्फ उसको गूगल मैप्स या इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसको हमेशा एक मोबाइल होल्डर में लगा के रखिए ताकि आपको नीचे देख के उसको गूगल मैप्स की तरफ ना देखना पड़े, क्योंकि मोबाइल होल्डर जो होते हैं वो आपके बिल्कुल सामने लगे होते हैं। एयरबैंड टाइप मोबाइल होल्डर है जो बिल्कुल आपके आई लेवल कम्फर्टेबली आप इस पर देख सकते हैं गूगल मैप्स को और आप ड्राइव कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको बहुत ही अच्छी हैप्पी ड्राइविंग और अपने डेस्टिनेशन पे आराम से पहुंचिए, तेज़ मत चलाइए गाड़ी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।